क्लाइमेट चेंज और उसके दुष्प्रभावों को लेकर बातें पूरी दुनिया में की जाती रही हैं और इसे लोगों को समझाने के लिए अब एक आर्टिस्ट ने अनोखी पहल की है और सबके सामने रखी है एक अलग सी कलाकृति जिसमें बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स पिघलने के लिए रखे गए। जरा देखिएगा उसकी एक कलाकृति। बर्फ ही बर्फ, इतनी ठंड और उसमें बर्फ के इतने बड़े बड़े टुकड़े। हमें तो देखकर ही ठंड लग रही है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग इस नजारे को एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल ये बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स खासतौर पर ग्रीनलैंड से यहाँ लाए गए हैं। और अब इसे थेम्स रिवर के किनारे डिस्प्ले के लिए रखा गया है। इन आइस ब्लॉक्स को आइस वॉच नाम के आर्टवर्क का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आइसलैंडिक डेनिश आर्टिस्ट ओलाफर इलियासन और मिनिक रोजिंग नाम के जियोलॉजिस्ट ने मिलकर तैयार किया है। इलियासन को अपने लार्ज स्केल आर्ट पीसेस के लिए जाना जाता है और इस आर्टवर्क के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। आर्टिस्ट का कहना है कि इन आइस ब्लॉक्स को पिघलता हुआ देखकर लोग क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को समझ सकेंगे। इन आइस ब्लॉक्स को ग्रीनलैंड के नूप कंगलुरा से लाया गया है, जो समंदर में धीरे धीरे पिघल रहे हैं। 24 आइस ब्लॉक्स वाले आर्टवर्क को COP24 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के साथ ही डिस्प्ले के लिए रखा गया है, ताकि लोग इसे देखकर इसके पीछे का मैसेज जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।